नमस्कार चैनल पर आपका स्वागत है बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में अगले 24 घंटों से लेकर कर एक सप्ताह के दौरान कैसा रहेगा मौसम आज सोलह मार्च आज सोलह मार्च को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है सोलह से लगाकर बाईस मार्च के बीच में लगातार राजस्थान के संपूर्ण जिलों पर मेघ करने के साथ हल्की से लगा मध्यम दर्जे की बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उन्नीस मार्च को सक्रिय होगा ये दोनों मिलकर के राजस्थान के सम्पूर्ण जिलों पर है छोड़ा से लगाकर कर बाईस मार्च के बीच में लगातार बारिश देता रहेगा हालांकि खड रूप में बारिश का दौर लगभग छब्बीस मार्च तक जारी रह सकता है तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम जिलों की बात कर लेते हैं यहाँ पर जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर पाली जलोर सिड़ी के क्षेत्र की बात करें यहाँ पर आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और सभी जिलों पर मेघ करने के साथ हल्की से लगा मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है जैसलमेर के कई भागों पर आज भी कहीं की बूंदाबांदी हल्की से लगा मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है जो पोकन के आसपास के बाग है फलसगुण हैं बनियाना के आसपास के क्षेत्र हैं कुछ देवीकोट के आसपास के क्षेत्र हैं और रामदेव के आसपास के क्षेत्र हैं जैसलमेर जिस, और जोधपुर के बागों पर भी कहीं की हल्की से लगा मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है लेकिन कल सत्रह मार्च से जैसलमेर के बागों पर बारिश का दौर मजबूत होगा जोधपुर के भागों की बात करें जोधपुर में भी आज कई इलाकों पर कहीं कई हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश है बूंदाबांदी लेकिन कल 17 मार्च जोधपुर के क्षेत्रों पर भी बारिश का दौर मजबूत होगा सत्तर से लेकर 22 मार्च के बीच में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा यहाँ पर आज की बात करें छोड़ा और सत्रह मार्च की यहाँ पर जोधपुर शहर है पश्चिमी भाग है जो बालेशर अगलई चित्रावा सुल्केतला शेरगढ़ देचू फलोदी ओसिया सर्डी के आसपास के भाग हैं और कुछ उत्तरी भाग है जो जोधपुर बीकानेर के छठे टेकरा के आसपास के भाग हैं यहाँ पर भी देखा जाए आज यानी सोलह मार्च को कहीं कहीं खंड रूप में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है लेकिन कल यानी सत्रह मार्च से इन भागों पर बारिश का दौर मजबूत होगा जोधपुर शहर से लगाकर जोधपुर के पूरी भाग है जो भोपालगढ़ अशोपा के आसपास स्तर है लूणी बावड़ी के आसपास स्तर है बिल्लाड़ा के आसपास के भाग हैं यहाँ पर भी देखा जाए तो आज सोलह मार्च को भी कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी लेकिन कल से बारिश का दौर मजबूत होगा बाड़मेर के भागों पर आज सोलह मार्च को कहीं कहीं हल्की रूप में बारिश का दौर देखने को मिलेगा खासकर गोड़ा मालान के आसपास के क्षेत्र हैं बाकासर हैं और कुछ बाड़मेर शहर हैं बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं शिव के आसपास के भाग हैं यहाँ पर देखा जाए सोलह मार्च को कहीं कहीं हल्की बारिश होगी लेकिन कल सत्रह मार्च से बारिश का दौर बाड़मेर के क्षेत्रों पर भी पड़ेगा बाड़मेर सत्रह मार्च को लगभग बाड़मेर के संपूर्ण भागों पर कई हल्की मध्यम दर्ज की बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है सोलह से लगाकर बाईस मार्च के बीच में लगातार बाड़मेर के भागों पर भी बारिश का दौर जारी रहेगा यहाँ पर चलो सीढ़ी और पल्ली की बात करें यहाँ पर आज मौसम में बदलाव आ जाएगा और कई इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी पल्ली शहर है पल्ली की लगभग खासकर जैतारण के आसपास क्षेत्र है आशिंदा के आसपास क्षेत्र है मारण जैक्सन है पल्ली शहर के आसपास पे भी आज सोलह मार्च को कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है लेकिन कल सत्रह मार्च को जैतरण के आसपास क्षेत्र हैं जो पल्ली जोधपुर के चटु हुए बाग है यहाँ पर देखा जाए कई इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं एक दो जगहों पर खंड तेज़ बारिश भी होने की संभावना है लेकिन खासकर कर अरावली रेंज के बागों पर कहीं कहीं यानी सत्रह अठारह उन्नीस मार्च को कई क्षेत्रों पर कहीं कहीं हल्की से लगाकर तेज़ खंड बारिश होगी जालोर सिरुई के क्षेत्रों की बात करें आज की बात करें जालौर में भी आज सोलह मार्च को भी कहीं कहीं हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी खासकर जालोर शहर है कुछ जो भीनमाल के आसपास क्षेत्र हैं ससुर के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं बूंदाबांदी या मध्यम दर्जे की बारिश होगी लेकिन कल यानी सत्रह मार्च से जालोर के क्षेत्रों पर भी बारिश का दौर बढ़ेगा जिले में भी आज और कल बारिश का दौर बढ़ेगा कोटा उदयपुर संभाग के जिलों की बात करें यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा कोटा बूंदी बारा जालौर के इलाकों की बात करें यहाँ पर आज यान कई इलाकों पर मेघ करने के साथ हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है कल से बारिश का दौर मजबूत होगा सोलह से लगाकर बाईस मार्च के बीच में लगातार बारिश जारी रहेगी खंडों में बारिश होगी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश भी होगी यहाँ पर आज लगभग सभी क्षेत्रों पर मौसम खराब रहने की संभावना है सोलह मार्च है मैंने कल भी आपके वीडियो में बता दिया था कि कल यानी सोलह मार्च को सुबह से ही मौसम खराब देखने को मिल सकता है आज जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं और उदयपुर कोटा संभाग के जिलों पर सुबह से ही बादल बने हुए हैं बीकानेर संभाग के जिलों पर भी बादल बने हुए हैं लेकिन अब बादलों का जमा ज़्यादा बढ़ेगा और मई का दोपहर होते होते लगभग राजस्थान के संपूर्ण भागों पर मौसम में बदलाव आ जाएगा यहाँ पर लगभग सभी जिलों पर मौसम आज खराब रहेगा हल्की से लगाकर खंड बारिश होगी लेकिन कल से बारिश का दौर मजबूत होगा आज छोड़ा मार्च की बात करें बूंदी कोटा बारा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर राजसमंद और बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं प्रतापगढ़ के लगभग सभी क्षेत्रों पर खंड रूप में बारिश का दौर देखने को मिलेगा जयपुर भरतपुर अजमेर संभाग के जिलों की बात करें यहाँ पर भी आज सोलह मार्च को मौसम में बदलाव आएगा और कल ये सत्रह मार्च से बारिश का दौर मजबूत हो जाएगा यहाँ पर नागौर अजमेर टोंक शोहे मंदपुर करौली धौलपुर भरतपुर दौसा जयपुर सीकर सुरू झुंझुनू सभी जिलों पर आज सोलह मार्च को खंड रूप में बारिश का दौर जारी रहेगा खंड रूप में कहीं हल्की कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होगी साथ में कहीं की ओलावृष्टि भी होने की संभावना है कल से बारिश का दौर लगभग संपूर्ण भाग है जो जयपुर संभाग अजमेर संभाग और जयपुर भरतपुर संभाग के जिलों पर यानी भरतपुर संभाग के जिलों की बात करें यहाँ पर लगभग आठ से लगाकर दस मिलीमीटर तक बारिश का दौर यानी सत्तर अठारह उन्नीस मार्च को देखने को मिलेगा क्योंकि तेज़ मूसलाधार बारिश का दौर अलवर के क्षेत्र हैं भरतपुर हैं धौलपुर के क्षेत्र हैं दौसा के क्षेत्र हैं और करौली के क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा और नागौर के क्षेत्र हैं नागौर चुरू झुंझुनू सीकर यहाँ पर आज भी बारिश होने की संभावना है कल भी होगी कल बारिश का दौर ज़्यादा रहेगा बीकानेर संभाग के जिलों की बात करें बीकानेर संभाग के जिलों पर भी आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कई जिलों के स्थानों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र पर आज सोलह मार्च को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा यहीं पर खंड रूप बारिश का दौड़ होगा खासकर गंगानगर की गंगानगर शहर से लगाकर जो उत्तरी दक्षिणी भाग हैं विजयनगर के आसपास है, क्षेत्र हैं करणपुर हैं राय नगर के आसपास क्षेत्र हैं बीकानेर हैं बीकानेर शहर खजुवाला रजीतपुरा रावला मंडी के आसपास क्षेत्र हैं कसणा लूण करणसर के आसपास क्षेत्र हैं सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर देखा देवी को जो कुछ तो कुछ कोलायत के आसपास के भाग है शुरू है और कुछ लाडू के आसपास के क्षेत्र हैं राजगढ़ के आसपास क्षेत्र हैं पिलान के आसपास क्षेत्र है पीलीमंगा के आसपास के भाग हैं नौर बाद के आसपास के यहाँ पर देखा जाए आज सत्रह और सोलह मार्च को कहीं कहीं खंड रूप में बारिश होगी लगभग पाँच से किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे गिरी गए लगभग दस से पंद्रह किलोमीटर के दायरे में मौसम बादलों की आवाज़ के बीच में शुष्क बना रहेगा लेकिन कल से ही बीकानेर से संपूर्ण भागों पर बारिश का दौर बढ़ेगा और सभी क्षेत्रों पर कई हल्की कई बहुत सारे गिरने की संभावना है बाईस मार्च से लगाकर पच्चीस मार्च के बीच में बीकानेर जोधपुर और उदयपुर कोटा संभाग के जिलों पर भी दक्षिण पश्चिम तेज हवाएं से लगी वहाँ की रफ्तार लगभग पच्चीस से लगाकर पैंतीस किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती हैं तो ऐसा रहकर लगभग अगले चौबीस घंटों से लगाकर एक सप्ताह के दौरान मौसम जय हिंद जय राजस्थान